गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं हूँ मेला घर में। त्रिपुरा का एक छोटा सा कस्बा है मेला घर, और मेला घर में मैं आया हूँ एक अमेजिंग साइट देखने जिसका नाम है नीर महल। और नीर महल उधर है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नीर महल तक पहुँचने से पहले ये एक झील है, काफ़ी विशाल झील है, और इस झील का नाम है रुद्र सागर। और नीर महल तक पहुंचने के लिए ये झील क्रॉस करके जानी पड़ेगी, और उसका एकमात्र साधन है ये नाव। ये नाव लगभग 20 सवारियों को लेके यहाँ से जाएगी, तो पहले 20 सवारियाँ होने का इंतज़ार करना है, या फिर आप इसको अकेले भी बुक करके जा सकते हो। ये रुद्र सागर झील जो है 1940 के आसपास यहाँ पर मात्र 12 परिवार रहते थे इस झील के पास में, इस झील के किनारे। जो त्रिपुरा राजवंश के राजा थे, उन्होंने उन 12 परिवारों को यहाँ रहने की अनुमति दी थी, ताकि वो यहाँ से कुछ मछली पालन वगैरह करके अपना गुजारा कर सकें और साथ में झील का रख रखाव कर सकें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो 12 परिवार 1940 में थे, उनकी संख्या आज के टाइम पे 2 लाख के करीब है। ये रुद्र सागर झील किसी समय में बहुत विशाल हुआ करती थी, लेकिन अतिक्रमण की वजह से, लगातार बढ़ते अतिक्रमण की वजह से, आज इसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। इस झील में मछली पालन भी होता है, लेकिन वो कहीं कहीं पर कुछ उसका एरिया डिसाइड किया गया है, सिर्फ वहीं होता है, उसका जाल लगा के प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी झील में कहीं भी घूम सकते हो मछली पकड़ने के लिए, सिर्फ वो एक हिस्से में उसका हिस्सा अलग से बना दिया गया है। प्लस और साथ ही इस झील में बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, इसलिए इस झील को रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। इस झील के किनारे पे ईंटों के बहुत सारे भट्ठे हैं दोस्तों, तो ईंटों से बची हुई जो गंदगी होती है, जो कचरा होता है ना ईंटों का बचा हुआ, वो ये लोग झील में ही डंप करते हैं, और इसकी वजह से झील की तलहटी में काफ़ी सारा कचरा जमा हो गया है, और इस झील का काफ़ी हिस्सा अतिक्रमण का शिकार हो चुका है उस वजह से। तो अभी हम चलेंगे उधर सामने नीर महल, और हम इंतज़ार कर रहे हैं बाकी सवारी आए और टिकट मिले, तो हम वहाँ पर इस बोट में सवार होके नीर महल चलें। रुद्र सागर झील बहुत खूबसूरत है, तो जब तक बोट के चलने का जुगाड़ होता है, इस झील के किनारे बैठ के इस खूबसूरती का आनंद लिया जा सकता है। मेला घर अगरतला से NH-8 पे स्थित है। NH-8 पे एक जगह आती है विश्रामगंज। विश्रामगंज से अगर आप राइट को टर्न लेते हैं तो थोड़े आगे चलने के बाद मेला घर कस्बा आता है। यहाँ के लिए बहुत सारे साधन अगरतला से आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट बसें भी आती हैं, जीप भी आती है। अगर आपको डायरेक्ट बस या जीप नहीं मिलती है, तो NH-8 पे एक जगह आती है विश्रामगंज, वहाँ उतर के आप मेला घर आ सकते हो। मेला घर काफ़ी बड़ा कस्बा है, बाज़ार है, और यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, ख़रीदारी के लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये टिकट बोर्ड है, टिकट देने के लिए भी अभी यहाँ कोई नहीं है। नो मास्क नो टिकट, टिकट काउंटर, रेट ऑफ रेंट 50 पर हेड। अभी टिकट नहीं मिल रही है लग रहा है। नीर महल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम अच्छा गाइस, अभी मैंने ये बोट बुक करी है, और इसमें क्या है कि ये सिंगल बोट है, हाथ से चलने वाली बोट है। वो जो बड़ी बोट मैंने आपको दिखाई थी, उसके लिए कम से कम 20 लोग चाहिए, तो 20 लोग अभी हुए भी नहीं थे, हो जाएंगे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये हाथ वाली बोट बुक करी, और इसमें मैं अकेला हूँ। ये मेरे साथी हैं, उधर काउंटर पर जाएंगे, ये यहीं पर जॉब करते हैं। तो इस बोट में 50 रुपया पर पर्सन किराया है, 7 लोग बैठते हैं, बट अभी 7 लोग नहीं थे, तो 350 रुपये मैं ही दूंगा, और 350 रुपये में इस शानदार बोट की सवारी मैं करूंगा। आना जाना होगा इसमें। वहाँ पर कितनी देर रुकना? 40 मिनट देखना पड़ेगा। वहाँ पर 40 मिनट का टाइम है, 40 मिनट में आपको वापस ये बोट में वापस आना होता है देख के। पहले तो इस इलाके का नाम है मेला घर जी, और जहाँ से आप बोट लेकर आया
उस जगह का नाम है राजघाट। राजघाट, राजघाट यानी जब महाराज आते थे उस वक्त उनका मेन राजमहल था अगरतला में। तो जब आते थे उस वक्त तक गाड़ी का बंदोबस्त नहीं था, हाथी और घुराड से आते थे। आकर हाथी घोड़ा इधर रख कर फिर नाव से जाते थे उस महल में। और इस लेक का नाम है रुद्र सागर। ये था नेचुरल, इसका एरिया है 5.3 किलोमीटर स्क्वायर। इसी को देखते हुए इस महल को बनाया गया है। तो इस महल का नाम है नीर महल। नीर मीन्स वाटर पैलेस। ये जो नाम रखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर से मुझे याद आया, रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा के काफ़ी करीबी थे और उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 7 बार उन्होंने त्रिपुरा की यात्रा करी और त्रिपुरा के ऊपर बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। और त्रिपुरा राजवंश के जो राजा थे उन्होंने ही सबसे पहले उनको विश्व कवि की उपाधि दी थी। जब था उस वक्त वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर बोलने वाला एक राजा था, तो उनका साथ में दोस्ती था, बहुत अच्छा दोस्ती था। तो उनका वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर का पत्नी वियोग का बाद तो उसका वो बिल्कुल टूट गया था, राजतंत्र से बिल्कुल टूट गया था। उनका पत्नी का देहांत का बाद बिल्कुल टूट गया था वो। जी जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर आया था उनसे मिलने के लिए, तो देखा कि उनका बहुत टूटा हुआ लगा है। तभी जो है मतलब जल्दी जल्दी से एक कविता लेकर उनको सुनाया गया। राजा का नाम क्या था? वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर। किशोर माणिक्य बहादुर है ना। उनको ये जो कविता लिखा था, लिखने के बाद उनको सुनाया था। सुनाने के बाद वीरचंद्र माणिक्य बहादुर जो है बिल्कुल खुश हो गया, मतलब पहले जैसा वो हो गया है। जो पत्नी का देहांत हुआ था वो बिल्कुल भूल गया है। फिर बाद में राजतंत्र अच्छा से चल रहा था, तब तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर का साथ मतलब दोस्ती भी अच्छा गहरा हो गया और उनको सबसे पहले सर्टिफिकेट दिया था विश्वकवि बनने से पहले ही सर्टिफिकेट दिया था वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर ने। तो अभी कोई है क्या उनका वारिस? हाँ, उनका वारिस है। लास्ट उनका जो वीर विक्रम का पोता है, अच्छा। उसका नाम है प्रद्युत किशोर देव वर्मा। अरे रे रे रे, क्या क्या बात है, क्या बात है। माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ये देखे। जैसे जैसे ये महल नज़दीक आ रहा है मेरे दिल की धड़कनें जो है तेज़ होती जा रही है। क्या शानदार नज़ारा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और थोड़े से पैसे ज़रूर लगेंगे आपके एक्स्ट्रा, लेकिन इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस नहीं है। वो मोटर बोट से अच्छा है ये हाथ वाली नाव से आपको आना चाहिए इधर। यहाँ की शांति इस नाव के चप्पू से भी भंग हो रही है, इतनी ज़बरदस्त शांति रे। ओह, इस जगह घूमने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये नाव में ही बैठे रहना चाहता हूँ 2 घंटे तक। रुद्र सागर जो है 1.5 किलोमीटर चौड़ी है महल तक आने के लिए, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। और इस हाथ वाली नाव से करीब 15 मिनट में हम लोग पहुँच गए। ही है। अच्छा, ये पीछे गांव है क्या? इधर गांव है। कौन सा गांव है ये? ये गांव का नाम है रंगामुरा। रंगा मतलब लाल मुरा। अच्छा अच्छा, रंगा यानी लाल। ठीक है, यहाँ से भी इस साइड से भी नहीं आ सकते क्या बाइक वाइक? कहीं से भी आएंगे आप, नाव लगेगा। ओके,
तो गाइज ये महल का वेलकम गेट है और इसके दो हिस्से हैं, ये राइट साइड है जब एंट्री करते हैं तो ये राइट साइड है और इधर ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में सैनिक और बाकी जो सेवक वगैरह थे वो रहते थे, और इधर जो लेफ्ट साइड है रॉयल फैमिली रहती थी। ये वेलकम गेट है जहाँ पर सोल्जर खड़े रहते थे, और ये जो यहाँ पर जो ये बना दिया ना रोड, यहाँ पर भी पानी था तो यहाँ से बोट जाती थी इस वेलकम गेट के नीचे। यहाँ पर एंट्री टिकट है 30 रुपये का और कैमरे के नाम का लगा है 50 रुपया। तो ये दो टिकट लेने के बाद एंट्री। तो अभी अगर हम जहाँ राजा रहते थे इस साइड में अगर हम चलें तो ये मैं हिस्सा आपको दिखाता हूँ, ऐसा गार्डन है। अच्छा यहाँ से देखते हैं रुद्र सागर कैसा दिखता है। ये रुद्र सागर क्रॉस करके हम यहाँ से आए हैं, वो हमारे नाविक हैं उधर। टूरिस्ट कोई नहीं है इस समय यहाँ पर, ये विजिटर रूम है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए, नहीं तो हमको कोई बताने वाला नहीं था कि कौन सा रूम क्या है। बेडरूम, ये नंबर 3 का रूम जो है, और बेडरूम बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ से नेचुरल व्यू है इधर से आ जाओ। हर रूम का जो है एक बालकोनी जो हर रूम से अटैच्ड है, जो गैलरी है वो यहाँ पे बाहर खुलती है। तो बेसिकली जो व्यू था इस हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है कि जो व्यू है वो हर एक रूम में रहने वाले को मिले। एक और बेडरूम, टोटल यहाँ पर 24 कमरे हैं, और बाथरूम, ये बाथरूम है भाई। हालांकि इसमें अभी ऐसा तो कोई हमको साइन नहीं मिलेगा आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो। राजा जी अगर आप कहीं हो तो मुझे ये सर्वेंट क्वार्टर अलॉट कर दो। सर्वेंट क्वार्टर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और यहाँ पर भी इस हिसाब से ये डिज़ाइन किए गए हैं कि इनको भी पूरा व्यू मिले। थिएटर स्टेज, ये जो स्टेज है आज के टाइम पे भी ऐसी थिएटर स्टेज होती हैं जो कुछ कॉलेजों में या काफ़ी जगह पर होती है। ये थिएटर स्टेज है, यहाँ पर कुछ भी कार्यक्रम होता था, और ये इनका ऑडियंस सेक्शन है, और ऑडियंस सेक्शंस का व्यू ज़बरदस्त है। तो ये है बोट घाट, यानी कि जो बोट मैंने आपको बाहर बताई थी वो सीधी यहाँ तक आती थी महल के अंदर तक। किसी ज़माने में यहाँ पर पानी होता होगा और बोट यहाँ तक आती थी, और यहीं से राजा अपना सीधा सीढ़ी पे चढ़ के महल में प्रवेश करता था, और महल में प्रवेश करते ही ये अपना इनका जो है व्यू वगैरह था जो भी है। इस समय मेरे अलावा इस महल में कोई भी नहीं है ऐसा बंदा जो घूमने के लिए आया हो बाहर से। साइड वाला जो राज निवास है वो हमने देख लिया, बहुत अच्छा बना है, सारे रूम्स हैं इसमें, 24 रूम्स है वो देख लिए, अच्छी खासी मेंटेनेंस की गई है, बहुत अच्छे से रख रखाव किया गया है। अब जाएंगे हम राइट साइड वाले निवास में, जो सैनिकों या जो गार्ड लोग हैं साफ सफाई कर्मचारी थे उनके लिए बनाया गया था, उसमें चलते हैं। तो ये ऊपर से ही कनेक्टेड है, मतलब इसके लिए नीचे सीढ़ियां नहीं उतरनी पड़ती, और ये मैं दिखाता हूँ आप। ये है, इधर से हम जाएंगे, जो मैंने नीचे से दिखाया था ये है वेलकम गेट, इस वेलकम गेट से ही हम दूसरी साइड महल में जाएंगे। ये वेलकम गेट, आपको कोई अगर ज़रूरत है सहायता चाहिए तो यहाँ पर आप टिकट काउंटर पर ही ऑडियो गाइड के लिए हेडफोन वगैरह ले सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होती है, मैंने यूज़ किया है।
आपको सारी जानकारी आपको आप सुन सकते हैं उसमें हेडफोन से कि आप कहाँ पर हैं। उसमें उस बटन होता है, आप दबाओ, वो सारी जानकारी आपको देते रहते हैं। तो बेसिकली ये गलियारा सा है और ज़्यादातर तो सोल्जर लोगों के लिए ही है, जो सुरक्षा कर्मी और वो सब थे। हाँ, मैं अतिक्रमण की बात कर रहा था, ये तो बहुत नज़दीक तक, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इसका राइट साइड का जो सुरक्षा कर्मियों का निवास था वहाँ का सबसे लास्ट कोना है। और ये देखिए अतिक्रमण, देख रहे हैं ये वाला मिट्टी जो है यहाँ तक आ चुकी है, ये अतिक्रमण देख लो। और कितना, एक 20-30 मीटर रह गया गैप खाली भरना बस, उसके बाद सारी गाड़ियाँ बाइक सीधी नीर महल तक आ सकती हैं। ये ही जो है, और लोगों ने खेत भी देख रहे हो, झील में अतिक्रमण करके वहाँ खेती धान उगानी शुरू कर दे यार। अदरवाइज़ ये रुद्र सागर कितने किलोमीटर के एरिया में किसी समय में फैला होता, भर में ये गैप कवर हो जाएगा। कौन जानता है समय के साथ साथ नीर महल का अस्तित्व भी बचेगा कि नहीं इस अतिक्रमण से परेशान होकर। जब आप बोट से इधर आते हैं तो आपको मिलते हैं 40 मिनट में, 40 मिनट कम लगते हैं, लेकिन अगर आप ये महल घूमना चाहते हैं तो 40 मिनट काफ़ी है, मतलब यू विल बी सेटिस्फाइड। और 40 मिनट के बाद सेम बोट से आपको वापस जाना होता है। अगर आपकी वो बोट छूट गई, आपको वो बोट छोड़ के चली गई, तो आप फिर नेक्स्ट बोट में जाएंगे और नेक्स्ट बोट में आपको 150 रुपीज़ एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। नीर महल की मेजर जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर कुछ और रिक्वायरमेंट है या आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में पूछें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, आप उसमें से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज आपकी रहेगी, आई विल ट्राई कि मैक्सिमम आपकी क्वेरीज सोल्व कर सकें, ताकि जब आप लोग आएँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह को इंजॉय कर सकें। सो मेरी यात्रा नीर महल की यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं इसको 10 में से 10 मार्क्स दूंगा और 100% सेटिस्फेक्शन रेट है। एक भी ऐसी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिससे मैं उदास हूं या जिसकी वजह से मैं आपको बोलूं कि यहां आने से पहले आप ये चीज़ का ध्यान रखें। ये बेहतरीन बेहतरीन यात्रा थी और ये मेमोरेबल यात्रा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट।